बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमने बेन के बहुत से एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म देखे, पर ऐसे भी कुछ एलियंस हैं जिनकी अल्टीमेट फॉर्म्स हमें बेंटन के अल्टीमेट सीरीज में देखने को नहीं मिले। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अल्टीमेट ग्रेविटैक का। अल्टीमेट ग्रेविटैक ग्रेविटैक का अल्टीमेट फॉर्म है जो हमें बेंटन के ओमनीवर्स सीरीज में देखने को मिलता है, और ये अल्टीमेट फॉर्म एल्बिडो के अल्टीमेटर्स की वजह से हमें देखने को मिलता है। अल्टीमेट ग्रेविटैक जो कि अपने अल्टीमेट फॉर्म में अपने पैर गायब कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के ग्रेविटेशनल फोर्स में हेर फेर कर पूरी तरह से हवा में तैर सकता है। इसकी स्किन इस फॉर्म में और टफ हो जाती है, बॉडी में इस वक्त बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं, इसके हाथ भी ग्रेविटैक के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके इस अल्टीमेट फॉर्म में इसके पास 3 छोटे प्लैनेटॉइड्स हैं, जिसमें भी ग्रेविकिनेसिस के पावर होते हैं। ऐसे ही एलियंस के कुछ और भी अल्टीमेट फॉर्म्स हैं, अगर तुम उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। घोस्ट फ्रिक जो कि बैन का एक घोस्ट टाइप एलियन है जो बिलोंग करता है एनर सिस्टम के प्लैनेट एनर फेटोस से। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस तरह का घोस्ट फ्रिक या जेस्कर हमें आज तक दिखाया जाता है बैन 10 के प्री प्रोडक्शन के टाइम पर, ये बिल्कुल ही अलग दिखता था। इसकी बॉडी घोस्ट की जैसी नहीं बल्कि इंसान की जैसी थी, जिसने एक अजीब सा सुपर हीरो सूट पहना हुआ था, जहां उसका सूट का रंग डार्क ब्लू, बेल्ट का रंग लाइट ब्लू, ग्लव्स का रंग ऑरेंज और केप का रंग ऑरेंज एंड ब्राउन था, जो उसके बाजू से अटैच्ड होता जिससे वो आराम से ग्लाइडिंग कर पाता। इसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती जस्ट लाइक जोकर, छोटी सी नाक रहती, आंखें हल्की नीली, घनी आईब्रोज, और इसके मास्क पर 11 टेंड्रिल्स होते जो कि इसके बालों की तरह दिखते। अब इस कैरेक्टर को क्या पावर्स मिलने वाली थी ये तो हमें नहीं पता, पर मे बी ये कोई जोकर पर्सनैलिटी का कैरेक्टर रहने वाला था जिसके पास शायद ही कोई घोस्ट जैसी पावर्स होती। वैसे ऐसे बेंटन के और भी एलियंस हैं जो प्री प्रोडक्शन के टाइम पर कुछ और दिखते थे और फाइनल रिजल्ट कुछ और मिला। तो अगर तुम लोग बेंटन के ऐसे और भी एलियंस के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मोस्ट अंडररेटेड एलियन ऑफ बेन 10, मैं बात कर रहा हूँ एको एको की। ये बेन का एक ऐसे एलियन है जो अपनी क्लोनिंग कर अगर वापस सबके सब एको एको एक साथ बेन में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वहाँ अनगिनत बेन 10 आ सकते हैं, और उन सभी बेन 10 के पास ओमिट्रिक्स होगी ही। और इसके बाद अगर सबके सब बेन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो सामने का दुश्मन चुटकियों में ढेर हो सकता है, पर बस जरूरत है तो आपसे तालमेल की। पर फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि एको एको जब अपनी क्लोनिंग करता है तो उस टाइम उनकी सोच और इमोशन भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आपने बेन 10 के इस एपिसोड में देखा ही होगा जहां सभी बेंस के बिहेवियर में कुछ ना कुछ बदलाव था ही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक इविल बेन 10 की क्लोनिंग एको एको कर दे तो सिनेरियो क्या हो सकता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और फैक्ट ट्रैप को इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।